हेलो दोस्तों, आज हम आम पापड़ बनाएंगे। ये मैंने 1 किलो आम है जिनको छील करके काट लिया। आप कोई से भी आम ले सकते हो आम पापड़ बनाने के लिए। ये मैंने वो तोतापुरी आम लिए हैं जिसका कलर अच्छा आता है, तो इसको डाल के हम मिक्सर में पीसते हैं। जो इसको बिना पानी के पीसना, पानी नहीं डालना है इसके अंदर। आधे आधे पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको बिना पानी के पीस लिया है। बिल्कुल ये स्मूथ पेस्ट हो गया है। आम पापड़ आप बनाइए, क्योंकि अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आम पापड़, आम जूस वगैरह ये सब बना करके आप खा सकते हो। अब इसमें जिसमें मैं बनाना है उसमें ही हमने इसको निकाल दिया। ये आधे का मैं आम पापड़ बनाऊंगी। ये आधे का मैं आम पापड़ बना रही हूँ और आधे का मैं आम जूस बनाऊंगी। बताना, इसमें दूध डाल रही हूँ, कच्चा ही दूध है, थैली वाला। मैंने आम जूस को आपको पहले भी बताया है वीडियो एक बार, और आपको अगर समझ में नहीं आया हो वो वाला तो मैं एक बार और आपको बता रही हूँ। और ये आधी कटोरी से भी कम मैंने शक्कर डाल दी है, और ये आधी शक्कर मैंने इसमें आम पापड़ के लिए डाल दी है। तो ये इसको हिला देते हैं, फिर इसको हम पकाएंगे गैस के ऊपर। तो हम इसको आम जूस को तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमारा बहुत ही ठीक आम जूस बन करके तैयार है। हमने इसको तपेली में डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल करके एक बार और चला लेंगे। ये हमने इसमें पानी और डाल दिया थोड़ा सा। इसको जार को साफ कर लेते हैं और इसको भी हम ब्रश में डाल देंगे। हमने ये पानी आम जूस में डाल दिया है और हमारा ये जार भी साफ हो गया है। अब इसको हम मिला देते हैं चम्मच से। ये हमारा कितना टेस्टी और आम जूस तैयार हो गया है। एक बार मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया था आम जूस का। इस घर पे आम जूस बनाइए, बाजार में आप जूस पीते हो तो उसमें बर्फ़ डाल देते हैं और बिल्कुल इसको पतला पतला कर देते हैं। आप इसको 2 दिन 3 दिन तक खा सकते हो। ये देखिए, इसमें चाहो तो आप केसर और इलायची डाल सकते हो। आम पापड़ के लिए पैन को रख दिया गैस के ऊपर, और ये हमने गैस चालू कर दिया है। अब इसको हिलाते रहना है ताकि ये हमारी शक्कर, हमने इसको बिना पानी के पीसा था। इसमें आम पापड़ बनाना है तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी डालोगे तो फिर आम पापड़ नहीं बनेगा आपका। अभी आम का सीजन है, आप आम पापड़ बनाइए, आम जूस बनाइए, और फिर बाद में तो आम में कीड़े पड़ने लग जाएंगे। बारिश का समय आ जाएगा तो कीड़े निकलेंगे उसके अंदर से। अभी धूप भी तेज है तो आम पापड़ आपका एक दिन में सूख भी जाएगा। बना के फिर बाद में बताते हैं आपको। ये देखिए, हमारा आम पापड़ का जो बैटर है ये पक रहा है। ये ऐसे इसके छींटे उछलते हैं, जो बनाते समय आप ध्यान रखिए इसके ऊपर, या तो कोई ढक्कन लगा दीजिए या कुछ हिलाते रहिए तो ये छींटे नहीं आएंगे। जलने का चांस रहता है, छींटे आपके आँख में कहीं पे भी उछल सकते हैं। ये देखिए, हमारा आम पापड़ का बैटर हो गया। इसको देखने के लिए आप ऐसे प्लेट ले लीजिए और उस पर ऐसे डालिए। ये बहुत धीरे गिर रहा है, बस ऐसा ही हमको चाहिए। ये फैल भी नहीं रहा है, ऐसा ही बैटर हमको चाहिए। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। ये हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है
अब वो थाली में हमने घी लगा करके पहले ही तैयार कर रखा था, इसमें हम डाल देते हैं इसको। बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप अभी सीजन में बना लो, आम के सीजन में आम पापड़ बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और ये पूरे साल चल जाते हैं, बेकार भी नहीं होते हैं। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए बना करके। अब हम इसको धूप में रखेंगे, इसको कम से कम धूप में 2 दिन लगेंगे सूखने में। अगर धूप तेज है तो जल्दी सूख जाएगी, और धूप अगर कम आ रही है तो 2 दिन तो लगेंगे। अब इसको हम फैला देते हैं चारों तरफ। घी हमने इसलिए लगाया है कि ये सूखने के बाद में हमारे आसानी से निकल जाए। ये मैंने एक थाली बनाया है, आप चाहो तो 2-3 थाली में बना सकते हो। अब आपको 2 दिन बाद बताते हैं सूखा होगा। ये देखिए हमने ये आम पापड़ 2 दिन के बाद में ऐसा सूख गया है, और देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका और कितना अच्छा बना है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। जैसा आपको रखना हो, मोटा रखना हो तो मोटा बना लो और पतला रखना हो तो पतला फैला लो। अब हम इसको चाकू से चाहे जैसे शेप में काट सकते हैं, जैसे बाजार में मिलते हैं ट्रायंगल शेप में बच्चे लेके आते हैं वैसे बना लेते हैं इसको। आम पापड़ तैयार है बिल्कुल बाजार के जैसा, बच्चे लेकर के खाते हैं। आप बच्चों के लिए बनाई है, बड़े भी खा सकते हो, और बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर काला नमक और भुना हुआ जीरा और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके आप नमकीन भी बना सकते हो। मैंने इसको मीठा बनाया है, आप चाहते हो तो अगर वो नमकीन वाला भी बना सकते हो। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी आम का जूस, मैंने इसमें केसर डाल दी है और थोड़े से इलायची के दाने डाल दिए खुशबू के लिए। और ये हमारा आम पापड़, हमने आपको एक साथ 2 रेसिपी बता दी थोड़े से टाइम के अंदर ही। अलग अलग में आपका टाइम ख़राब नहीं हो, और अलग अलग मतलब टाइम भी नहीं लगेगा आपको, और बहुत ही टेस्टी दोनों आम के सीजन में आप बनाइए खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेक केयर, बाय।